सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। इंडियन प्रीमियर लीग के 12वें सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की प्रशंसक दीपिका घोष पर जब मैच के दौरान कैमरा गया तो वो रातों रात स्टार बन गई। उन्होंने खुद इस बात को कबूल किया है कि जिंदगी पहले जैसी नहीं रही, लेकिन वह भयभीत है और इस बात से निराश है कि अब दुनिया में उन्हें सिर्फ बेंगलुरु की प्रशंसक के तौर पर देखा जा रहा है। रातों रात स्टार बनी आरसीबी गर्ल ट्रोल से दहशत में, पोस्ट में बयां किया दिल का दर्द। उन्होंने कहा कि वो इससे ज्यादा भी और कुछ है। उन्होंने ये इसलिए कहा क्योंकि उन्हें कुछ लोगों ने खूब गालियां दी और उसमें महिलाएं भी शामिल हैं। इस बात का जिक्र उन्होंने एक पोस्ट में लिखा है। बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए मैच में दीपिका कैमरे के जरिए सामने आई थी और फिर उनका वीडियो वायरल हो गया था। इंस्टाग्राम पर इसके बाद उन्हें वेरीफाइड स्टेटस भी मिल गया था। अब दीपिका ने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट के माध्यम से बताया कि वह कैसे कैमरा में कैद हुई और किस तरह उस पल के बाद उनकी जिंदगी बदल गई। उन्होंने लिखा, मेरा नाम दीपिका घोष है और शायद मेरे बारे में फैलाई जा रही बातों में से सिर्फ एक यही सच बात है। दीपिका काफी अरसे से अपने परिवार के साथ आईपीएल मैच देखने जाती रही हैं, लेकिन उन्हें यह बिल्कुल भी नहीं पता था कि एक मैच उनकी जिंदगी बदल देगा। दीपिका ने लिखा, मैं किसी तरह की पहचान नहीं चाहती और ना ही मैं गिनना चाहती हूँ कि मैं कितनी बार कैमरा पर आई। मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, सिर्फ एक आम लड़की हूँ जो उस मैच का लुत्फ़ उठा रही थी। टीवी पर जब से मैं आई हूँ उसके बाद जो तवज्जो मुझे मिल रही है, मैंने उसके लिए कुछ भी नहीं किया था। मैं निश्चित तौर पर यह सब नहीं चाहती थी। उन्होंने कहा कि इस दौरान उन्हें जो प्यार मिला उसके लिए वह शुक्रगुजार है, लेकिन वह साथ ही गैर जरूरी नकारात्मकता की वजह से परेशान भी है। उन्होंने कहा, यह मेरे लिए गालियों, प्रताड़ना और मानसिक प्रताड़ना का मुद्दा बन गया है। मुझे समझ नहीं आता कि लोगों ने कैसे मेरा नाम और प्रोफाइल ढूंढ लिया। उन्होंने आगे कहा, मेरी पहचान, निजता और जिंदगी अचानक से हैक हो गई। रात भर में कई ऐसे पुरुष प्रशंसक मेरे सामने आए जो सामाजिक मंच पर मुझसे अशिष्ट, भद्दा, निंदनीय और बदतमीजी वाला व्यवहार कर रहे हैं। इन सभी से ज्यादा हैरानी वाली बात यह है कि मुझे एक महिला के द्वारा नफरत का शिकार होना पड़ा। आप इतनी जल्दी और बुरे तरीके से मेरे बारे में मुझे जाने बिना कैसे ऐसी बातें बोल सकती हैं? मैं आप में से ही एक हूँ। दीपिका ने कहा कि इस दुनिया को निश्चित तौर पर महिलाओं को आगे ले जाने के लिए और ज्यादा महिलाओं की जरूरत है। उन्होंने कहा, मैं भयभीत हूँ कि किस तरह मेरे बारे में ये राय बनाई गई है। रुकिए और सोचिए कि कैसे एक लड़की के तौर पर इस तरह की बिना मांगे तवज्जो मिलने से क्या होता है। उन्होंने आगे कहा कि वह अपने आप को अब असल विचारपूर्ण और शानदार इंसान बनाएगी। उन्होंने लिखा, हाँ मैं बेंगलुरु की प्रशंसक हूँ, लेकिन मैं उससे भी कहीं ज्यादा हूँ। अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आई तो लाइक और शेयर करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज़ की रिपोर्ट सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज़ के लिए।